हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज हिमानी और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ गाइज. और आज का जो वीडियो है ना वो बॉयज़ मुझसे बिल्कुल शिकायत मत करना क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशली क्यूरेट किया है गर्ल्स के लिए. हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे. तो स्पेशली मुझे लड़कियों की बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इंस्टा पर भी डीएम आते हैं कि हिमानी आप बताओ, एक बार एक वीडियो बनाओ जिसमें कि आप क्लियरली हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताओ कि लड़कियां अगर सोलो ट्रैवल करना चाहती है, क्योंकि सबसे पहले तो परमिशन घर से नहीं मिलती है और उसके बाद मिल भी जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप बताओ, एक वीडियो बनाओ डेडिकेटेड कि गर्ल्स को सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. तो मैंने सोचा चलो जी बना देते हैं वीडियो. और इससे अच्छी लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती थी क्योंकि आई एम इन द मिडल ऑफ हिमालयस. यप, आई एम इन उत्तराखंड चोपटा में हूँ मैं अभी, टू बी प्रिसाइज, एंड आई एम स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड स्टॉप ऑफ. और आप भी अगर कभी चोपटा आओ और आपको देखनी हो कोई अच्छी ऐसी आइसोलेटेड प्रॉपर्टी जहाँ पर दूर दूर तक लोग ना दिखाई दे, बस शांति हो और आप सुकून की सांसें ले सके, तो आप इस जगह को चेकआउट करना. अभी चलो मुद्दे पे आते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो सबसे पहले मैं ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आप अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करो, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कितना करती है, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल नीड्स मनी. और मैं ये नहीं कहती कि बहुत पैसा लगता है, क्योंकि इंडिया में ट्रैवल करना इट्स वे चीपर देन आउटसाइड इंडिया. ऑब्वियसली 5,000 रुपए से आप 10,000 के बीच में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते. सो पैसा इज नॉट द एक्चुअल मुद्दा. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मुद्दा इसकी आप कितने पैशनेट हो, आपको सच में सोलो ट्रैवल करना अच्छा लगता है. तो उसके लिए सबसे पहली चीज है जो आपको करनी होगी वो है कि आपको एक ट्रिप पे जाके देखना पड़ेगा. आप जब तक किसी एक काम को पहला करना शुरू नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है कि यू आर एंजॉयिंग इट और नॉट. इफ आप नहीं एंजॉय करोगे तो डेफिनेटली आप दूसरी ट्रिप पे नहीं जाओगे. तो सबसे पहले तो वहीं पर बातें फिर खत्म हो जाती है. पर अगर आपको सोलो ट्रिप स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट, लाइक आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. तो पहला स्टेप के लिए आपको एक ट्रिप पे जाना पड़ेगा. और वो ट्रिप प्लान करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये सबसे पहली चीज, आप स्टेप उठाओ और डिसाइड करो कि आपको कौन सी लोकेशन जानी है. और फर्स्ट ट्रिप के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ऐसे लोकेशन में जाओ जो आपके होम टाउन के थोड़ी सराउंडिंग में हो. ज्यादा दूर मत चले जाओ. पहले ही ट्रिप में आप सोचो मैं केरल चले जाऊं, मैं गोवा चले जाऊं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको किसी ऐसे लोकेशन पे जाना चाहिए जो कि आपके होम टाउन से, आपके स्टेट से रीचेबल हो. आप ये देखो कि आपको खुद की कंपनी आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं. आप ऐसी कोई जगह जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ऋषिकेश जाओ, आप जयपुर चले जाओ, आप मैक्लोडगंज चले जाओ. अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा होम टाउन छत्तीसगढ़ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमपी चले जाओ, एमपी में आप पंचमढ़ी चले जाओ, आप भोपाल चले जाओ, और भी बहुत सारी जगह है, ग्वालियर चले जाओ. तो आप इस तरीके से आप अपने आसपास की कोई जगह सेलेक्ट करो जहां पर आप सोलो ट्रिप के लिए जा सकते हो. राइट, गॉट माय पॉइंट. नंबर टू, जब आपने कर ली जगह डिसाइड, अब आपको जाना है तो आपको बुकिंग करनी है. तो लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं सोलो ट्रिप पे जाने के लिए भी, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग कराते हैं. वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सोलो ट्रिप इज ऑल अबाउट बैकपैकिंग. आपने एक बैकपैक उठाया, उसमें अपना सामान डाला, सारा काम का जितनी भी नेसेसरी थिंग्स है वो डाली, और उसके बाद आप निकल गए हो. आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो. यू आर नॉट गोइंग विद अ फैमिली जिसमें कि आपको किसी एजेंट की रिक्वायर्ड है. थर्ड पार्टी पर्सन से आप बुकिंग कराओगे और सारी बुकिंग मिल गई आपको, स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ गए. नहीं, ऐसे दिस इज नॉट हाउ सोलो ट्रिप वर्क्स, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. पर ये भी नहीं करना है कि सब कुछ एकदम अनप्लान करके चले गए. तो सेकेंड स्टेप इज प्लान योर ट्रिप, रिसर्च अ बिट. थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ी सी प्लानिंग करो. जहाँ भी जा रहे हो उस जगह के बारे में थोड़ा देखो. यूट्यूब पे ढेरों वीडियो होते हैं, वो देखो, किसी का ब्लॉग पढ़ो, या फिर उस जगह के बारे में आप गूगल पे सर्च करो, देखो अच्छे से सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो. नाउ नंबर थ्री, आपने अपना रिसर्च कर लिया, आपने जगह डिसाइड कर लिया, अब आपको अपना बजट प्लान करना है. यस, एग्जैक्टली. सोलो ट्रिप पे आप अपना एक बजट प्लान कर लो कि आपको इस बजट के अंदर 5,000, 10,000, 15,000, ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा का ट्रिप आप प्लान नहीं करना चाहिए. फर्स्ट ट्रिप पे आप जा रहे हो, ऑब्वियसली 5,000 में
भी आप आराम से कहीं कहीं पर घूम सकते हो। आपको इस बजट के अंदर ही ये ट्रिप करके आना है। ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा मनी कैरी करो। तो क्या होता है ना, इससे दो चीजें होती है, एक तो ये कि आप ओवर स्पेंड नहीं करते हो, दूसरी ये होता है कि हम पैसे बचा ले वाली चीज। तो वो ना एक लिमिट में आप खर्च करते हो और फिर उसके बाद आपको बाय द एंड ऑफ द ट्रिप आपको पता चलता है कि यस मैंने इतने में सोचा था और मेरे पैसे इतने बच भी गए। तो दैट फीलिंग इज अनदर लेवल, राइट। और बैकपैकिंग ट्रिप ऑब्वियसली एक बजट ट्रिप होती है, तो आपको बजट डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका बजट हो जाएगा डिसाइड, तो नंबर 4 ऑल यू हैव टू डू इज बुकिंग। बुकिंग करोगे आप जिससे भी आपको जाना है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए जब बात आती है तो मैं सोलो ट्रिप में आपको यही कहूंगी कि आप हमेशा हॉस्टल प्रेफर करो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, पहला और आई थिंक ओनली वन रीजन, कि आप हॉस्टल में लाइक माइंडेड पीपल के साथ स्टे करते हो। आपके जैसे और भी सोलो ट्रैवलर्स आए हुए होते हैं, तो आपको कुछ अलग नहीं फील होता है, आपको अकेला अकेला नहीं महसूस होता है। उसी जगह पर आप अगर कोई होटल बुक कर लोगे तो आपको वहां पर फैमिली दिखेगी, आपको वहां पर कपल्स दिखेंगे, वहां पर ग्रुप में लोग आए हुए दिखेंगे, तो आप अकेला ज्यादा फील करोगे। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कहां आ गई, आई मीन मैं अकेले क्यों घूम रही हूं। लेकिन मुझे अब नहीं फर्क पड़ता है कि मुझे आप रिजॉर्ट में रुकवा रहे हो, मुझे आप हॉस्टल में रुकवा रहे हो, मुझे किसी कॉटेज में रुकवा रहे हो। ओनली थिंग मैटर इज लोकेशन एंड द प्लेस, उसकी वाइब मुझे वो मैटर करती है। तो मैं रिजॉर्ट में भी अकेले रुक सकती हूँ, मैं किसी कॉटेज में भी अकेले रुक सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर एक तो बजट ट्रिप पे पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं, दूसरी चीज लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है कि आपके जैसे और भी लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं देश के, पता नहीं किस कोने से आए हुए, कोई केरल से आया हुआ है, कोई कर्नाटका से आया हुआ है, कोई मुंबई से आया हुआ है, तो ऐसे अलग अलग लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, दैट्स अमेजिंग। और सबके साथ उनकी स्टोरी शेयर करने का मौका मिलता है और साथ में लोग हो जाते हैं इकट्ठे, ऑब्वियसली। तो ये हो गई हमारी चौथा पॉइंट। नाउ नंबर 5, क्योंकि लोग सोलो ट्रैवल में बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि निकल तो गए, पहला सोलो ट्रिप है, जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज द थिंग आई हैव सीन इन मेनी गर्ल्स, लाइक मैं बहुत लड़कियों में ये देखती हूँ कि उनकी पहली सोलो ट्रिप है और वो आराम से पार्टी में लाइक लोगों के साथ ड्रिंक करने बैठ गए हैं, या फिर अनजान लोगों के साथ थोड़ा सा बाहर चले गए अकेले अकेले। लाइक पहला सोलो ट्रिप होता है, सारा चार्ज्ड अप होता है अंदर से, और ये लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं कोई एक्सपीरियंस छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और लड़कियों के साथ ये सबसे ज्यादा होता है कि वो जल्दी से ट्रस्ट कर लेती किसी पे, और फिर उसके बाद बस कई बार इससे कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो नेवर डू दैट, आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको अगर कहीं पर कोई थोड़ी वाइब अलग आ रही है और आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से दूर हट जाना चाहिए, डू दैट। पहली बार सोलो ट्रिप पे जा रहे हो तो डोंट ट्रस्ट इजीली एनीबडी, क्योंकि आप किसी को बेयरली जानते हो। बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड किसी के साथ जस्ट ऐसे ही निकल जाना घूमने फिरने के लिए या उसके साथ पार्टी करने चले जाना रात को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आप किसी भी रिस्क में पड़ सकते हो, सो ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। और सोलो ट्रिप पे अगर आप हो, दिन में एक्सप्लोर करो, पूरा दिन 6-7 बजे तक एक्सप्लोर करो, एंड उसके बाद अपने हॉस्टल में वापस आ जाओ, चिल करो हॉस्टल के अंदर, खाना खाओ एंड लोगों से बातें करो। रात को जैमिंग सेशंस होते हैं, वो एंजॉय करो इंस्टीड ऑफ गोइंग विद स्ट्रेंजर लाइक किसी भी प्लेस में। डोंट डू दैट। अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं इन वादियों की मजे लेती हूँ थोड़े से। मौसम काफी अच्छा हो रहा है, सुहाना सा हो रहा है। और हाँ, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। और लड़कियों की क्वेरीज मुझे लगती है कि मैंने काफी हद तक खत्म की रहेगी, और अगर नहीं की है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।